नमस्कार, मैं प्रिया। आज 21 जुलाई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 27,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बीते दिन मिले मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कोविड-19 के 1076 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद राज्य में प्रभावितों की कुल संख्या 27,455 हो गई है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद कुल मिलाकर 17,535 मरीज कोविड-19 से बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। यानी कि बिहार में संक्रमितों की कुल संख्या 9,732 ही बची है। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 187 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में कोविड-19 की करवाई जाएगी अब ऑन डिमांड जांच। बिहार में बेकाबू हो रहे कोविड-19 के मामलों पर नियंत्रण लाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। बिहार में कोविड-19 के बिगड़ते हालात को देखते हुए सेंटर की टीम भी पटना पहुंची थी, ताकि कोविड-19 पर नियंत्रण कैसे किया जा सके इस पर सोच विचार किया जाए। वहीं बिहार पहुंची स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम ने ही ऑन डिमांड जांच करने का फैसला सुनाया है। यानी कि कोरोना के लक्षण वाले संक्रमितों की ऑन डिमांड जांच की जाएगी, जिसके बाद जांच सेंटर की संख्या भी 55 कर दी गई है। कोविड-19 का इलाज पटना के 25 अस्पतालों में होगा मुफ्त। पटना में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए हालात के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले के 25 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 प्रभावितों की जांच निःशुल्क करवाई जाएगी, जिसके तहत पहले शहर के 6-7 अस्पताल में यह सुविधा शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार लोगों की भीड़ और सहूलियत को देखते हुए पटना जिले के 25 स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी सुविधा शुरू की गई है। अब इन अस्पतालों में बीमारी के लक्षण वाले लोग जाकर जांच करा सकते हैं, जिसकी पूरी सूची जिलाधिकारी कुमार रवि ने जारी कर दी है। बिहार पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गया में अधिकारियों के साथ की बैठक। गया पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने वहां मौजूद सभी अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में जिले में कोविड-19 की स्थिति को लेकर बैठक की है। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कंटेनमेंट जोन के अलावा कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय टीम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के बाद शहर के पीर मंसूर रोड से लेकर जीबी रोड तक बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण भी किया है। पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली के जारी किए गए संकेत। राजधानी पटना समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने एक बार फिर से सतर्कता जारी करते हुए अगले 48 घंटों तक उत्तर बिहार और नेपाल से सटे 11 जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में मूसलाधार बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बिहार के पुलिस वाले अब कोविड-19 से लोगों को बचाने में भी निभाएंगे अहम भूमिका। बिहार में पुलिस अधिकारी आम नागरिकों को बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं, जिसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने एक पत्र जारी करके उन सभी पुलिसकर्मियों को प्लाज्मा डोनेट करने का आदेश जारी कर दिया है, जिन्होंने कोविड-19 को मात दे दी है। यह लोग दूसरों को संक्रमण से निजात दिलवाने में मदद करने के लिए अपना प्लाज्मा देंगे, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी ADG, वरीय पुलिस अधीक्षक और SP को पत्र जारी कर दिया गया है। 27 जुलाई तक पटना हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक कार्य किए जाने का आदेश। गली मोहल्ले से निकलकर अब कोविड-19 ने अदालतों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। लगातार जिला अदालतों में कोरोना संक्रमण की शिकायत सामने आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने आने वाले 27 जुलाई तक निचली अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला जजों को भी यही सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक आवश्यक न हो तब तक कोर्ट परिसर में किसी को आने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 आशंकित मरीज अब हेल्पलाइन नंबर की मदद से ले सकते हैं डॉक्टरों की सलाह। कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सभी लोग आशंकित दिखाई दे रहे हैं। सबके दिमाग में बस यही आशंका है कि कहीं वो भी संक्रमित ना हो गए हों, जिसके बाद अब लोगों की इस परेशानी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने अहम पहल की है, जिसके तहत प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जिस पर फोन करके सभी लोग डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कंट्रोल रूम में नंबर 0612-221-9090 पर कॉल करके जानकारी के साथ साथ मदद ली जा सकती है। नेपाल एवं गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से मुख्यमंत्री है परेशान। नेपाल एवं गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी के डिस्चार्ज और नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली है। भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन क्षेत्रों में भारी बारिश को देखते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी संभावित जिलाधिकारियों को पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम करने का निर्देश दे दिया है।
और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द वहां से हटाए जाने का निर्देश दिया गया है। कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को टेस्टिंग में तेजी लाने की कही बात। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कोविड 19 की जांच की समीक्षा करते हुए टेस्टिंग कार्य की गति को बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। इसी क्रम में आयुक्त ने कैमूर एवं रोहतास के जिलाधिकारी को कोविड 19 जांच के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रतिदिन की जांच कार्यों की समीक्षा करने साथ ही आवश्यक सुधार लाते हुए प्रगति लाने का निर्देश दिया है, जिसके लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारी को एंटीजन किट की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने तथा आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजेशन करवाने का निर्देश जारी किया है, ताकि सभी जिलों में टेस्ट की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी से पूरी करवाई जा सके। जदयू की तरफ से जारी किए गए स्लोगन के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ने निकाला नया नारा। कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच कुछ दिनों पहले जदयू ने ऑनलाइन स्लोगन जारी किया था, जिसके बाद अब जदयू के स्लोगन का जवाब देते हुए कांग्रेस ने अपना नया स्लोगन जारी किया है, जिसके तहत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मिलकर एक सुर में कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता घर घर में जन जन में कहेंगे मैं हूं गांधी और नेहरू। नेताओं ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, हम पहले भी जनता के लिए काम करते हैं और अभी भी जनता के लिए ही काम करते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले हुआ था। वे कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में क्रांति की पुकार थी तो दूसरी तरफ कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति भी साफ साफ देखने को मिलती थी। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीतिक विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन भी किया था। रामधारी सिंह दिनकर अक्सर देश के हित को लेकर बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। दिनकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में बयानबाजी भी की थी। रामधारी सिंह दिनकर कभी भी अपनी बात को रखने से कतराते नहीं थे। बाढ़ प्रभावितों से रूबरू होने पहुंचे जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। बिहार में बाढ़ प्रभावितों के लिए मसीहा बनकर पप्पू यादव पिछले साल भी नजर आए थे, वहीं अब इस बार भी बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा है। इसी क्रम में भी पप्पू यादव बेतिया के नौतन प्रखंड के चंपारण तट पर प्रभावितों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर कोविड 19 की चिंता के बगैर उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रभावितों की मदद भी की, जिसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष से सूची तैयार करने की बात कही है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार छोड़ने की दी नसीहत। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार छोड़ने की नसीहत दे दी है। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। चाहे कोविड 19 का मामला हो या बाढ़ संबंधी कोई बात, राबड़ी देवी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में लेने का, जिसके बाद एक बार फिर से राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, देखिए और सुनिए, बिहार सरकार खुद ही संक्रमित हो चुकी है या नीतीश कुमार जी का गृह जिला नालंदा क्यों ना हो, मजाल है कि मुख्यमंत्री के मुंह का ताला खुल जाए। कोविड 19 से निपटने के लिए आपदा राहत कोष की बढ़ाई गई सीमा, जिसका ऐलान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कोविड 19 संक्रमण से लोगों को बचाने के उपाय में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय टीम को बिहार में भेजा था और कोविड 19 से निपटने में आपदा राहत कोष से खर्च करने की सीमा 25 से बढ़कर 35% तक कर दी गई है। यानी कि बिहार सरकार कोरोना से बचाव और इलाज पर आपदा राहत कोष से 660 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगी। वहीं केंद्र में राहत कोष में अपने योगदान का 708 करोड़ रुपए भी कर दिया है, जिसके बाद इस राशि को पीपीई किट, क्वारंटाइन सेंटर, जाँच, वेंटिलेटर आदि पर खर्च किया जाएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्रों की और सुविधा देने की कही बात। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में बिहार और झारखंड के कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक समीक्षा बैठक सहकार कार्यशाला का आयोजन अलग अलग तरीकों से करवाया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आज वैश्विक कोविड 19 ने देश के सामने कठिन चुनौती खड़ी कर दी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में देश के किसानों को राहत देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार बहुत सी योजनाओं को लागू कर रही है। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्रों को और ज्यादा अधिक सुविधा संपन्न बनाए जाने पर भी काम करवाए जाने की मांग की गई है। बिहार के अस्पतालों में एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को किया गया तैनात। सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिहार के महत्वपूर्ण अस्पतालों में सहयोग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को तैनात कर दिया गया है। यह मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी, जिसमें प्रशासन और हॉस्पिटल के लोग शामिल होंगे। इससे चिकित्सकों को सहयोग मिलेगा और अस्पतालों का प्रबंधन और अधिक बेहतर किया जा सकेगा, साथ ही लोगों की समस्याओं का भी तत्काल निवारण होगा।
बेतिया स्कूल निर्माण के लिए बिहार के एक दंपति ने दान की अपनी जमीन। बेतिया जिले के रामनगर अंतर्गत मुजरा गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने स्थानीय छात्रों की समस्या को देखते हुए स्कूल निर्माण के लिए अपनी 2 एकड़ जमीन को दान दे दिया है, जिसके बाद उनकी सराहना पूरे गाँव भर में की जा रही है। दरअसल इलाके के छात्र में पढ़ने के लिए उन्हें कोसों दूर जाना पड़ता था, जिसके बाद छात्रों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। कई परिवार वाले अपने घर से किसी को भेजने से हिचकिचाते थे। इसी समस्या का निदान करते हुए इन बुजुर्ग दंपति ने भी यह फैसला लिया है, जिसके बाद सभी ग्रामीण काफी ज्यादा खुश हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ और कोविड 19 प्रभावितों को बताया राम भरोसे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों को और साथ ही बिहार में बाढ़ के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बस अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनको ना तो कोरोना का और ना ही बाढ़ की कोई चिंता है। पूरा प्रशासन और सिर्फ चुनाव में लगा हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव लोगों की जान बचाने के लिए होता है और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मंदिरों से पहले बिहार में अस्पताल का हो उद्घाटन। बिहार में कोविड 19 के संक्रमण के मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोविड 19 के माहौल में बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। अस्पतालों की कमी के कारण जनता बेहाल है, इसलिए आग्रह है कि बिहारियों के जीवन रक्षा के लिए यहां गया समेत बिहार को 5 एम्स की तुरंत मंजूरी दे और मंदिर मस्जिद से पहले अस्पताल का भूमि पूजन करे, यही मानवता होगी। यूपीएससी ने पीटी और साक्षात्कार के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए पर्सनालिटी टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि पर्सनालिटी टेस्ट परीक्षा 2019 को तैयार शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सभी उम्मीदवारों को अग्रिम रूप से सूचित भी कर दिया गया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उम्मीदवार विशेषज्ञ सलाहकार और कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था भी की है, जिसके बाद यूपीएससी ने साफ तौर पर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बचे 623 छात्र को 30 जुलाई तक बुला सकती है। 22 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाएगा म्यूजिकल ट्रिब्यूट। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। सुशांत के फैंस और बॉलीवुड के सितारे अभी भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। वहीं 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे सुशांत को म्यूजिकल ट्रिब्यूट देने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत डिज्नी हॉटस्टार पर सोनी म्यूजिक इंडिया ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में ऑस्कर अवार्ड विनर म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर AR रहमान के अलावा श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, सुनिधि चौहान, शाशा तिरुपति, जोनिता भाग लेने वाले हैं। वहीं हाल ही में नेहा कक्कड़ ने भी सुशांत सिंह राजपूत को म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया था। आईपीएल के आयोजन को लेकर बीसीसीआई ने जारी की अहम सूचना। आईपीएल के आयोजन को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, मगर कोविड 19 की वजह से आईपीएल के आयोजन पर फिलहाल असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई ने आईपीएल के आयोजन की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद एक बार फिर से सभी प्रशंसकों को आईपीएल के आयोजन की उम्मीद बंधी है। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आईपीएल का 13वां सीजन का आयोजन करवाना चाहती है और इस साल आईपीएल का आयोजन UAE में होगा। हालांकि ब्रॉडकास्टर जारी किए गए शेड्यूल को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं फ्रेंचाइजी भी इस शेड्यूल को 1 हफ्ते आगे बढ़ाना चाहती है। अब एक मोबाइल पर 2 WhatsApp अकाउंट चलाना हुआ आसान। अब आप एक मोबाइल पर 2 WhatsApp अकाउंट आसानी से चला सकते हैं। आजकल के स्मार्टफोन में क्लोनिंग फीचर मौजूद होता है, जिसके जरिए किसी भी ऐप का क्लोन बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फीचर के जरिए आप भी अपने मोबाइल में WhatsApp का क्लोन बनाकर 2 WhatsApp अकाउंट आसानी से चला सकेंगे, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। वहां जाकर आपको नीचे की तरफ ऐप क्लोनर विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको आपके डिवाइस पर मौजूदा ऐप की सूची दिखाई देगी। इसमें से आप WhatsApp पर क्लिक करेंगे, वहीं आपको आपका क्लोन ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे ऑन कर दे और अपने WhatsApp का क्लोन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन को एक बार में 2 अकाउंट चला सकते हैं। RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया अपने वादे का पक्का। जदयू के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए वर्चुअल सम्मेलन के 3रे दिन 16 विधानसभा क्षेत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई सारी अहम बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ही USB है। उन्होंने जो कहा वो बिहार में लागू किया जा रहा है। आज बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग बिना किसी भेदभाव के पेंशन के हकदार हैं। बिहार में लड़के और लड़कियां लगभग बराबर की संख्या में मैट्रिक की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 15 साल पहले किस तरह हमारी बेटियां बुनियादी सुविधाओं के अभाव से स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाती थी, ये सबको याद है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है पूजा कुमारी, बिट्टू कुमार, विशाल भान सिंह, नकुल कुमार यादव, सोनू सिंह, नीलम गुप्ता, मुकेश ठाकुर, गोपाल कुमार, राजीव कुमार, शंकर मिश्रा, विकास कुमार चौधरी, अरुण राज, जयराम चौहान,
एन एक्सेल इंग्लिश एजुकेटर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मौजूदा COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए आपके अनुसार IPL का आयोजन BCCI द्वारा अनुमानित सितंबर से नवंबर के बीच करवाया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।